अगर आप भी कहीं बाहर रूम लेकर रहते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं या फिर स्टडी वगैरह करते हैं और आपको कपड़े धुलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में होने वाली है कुछ ऐसी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन जिनका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं कपड़ों को धुलने के लिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने पहली वॉशिंग मशीन के साथ। नंबर 5, लेवारियो पोर्टेबल वॉशर। वॉशिंग मशीन आज की तारीख में घरों के नेसेसरी अप्लायंसेस में आती है, यानी कि लगभग आज की तारीख में हर घर में वॉशिंग मशीन तो आपको देखने को मिल ही जाएगी, जिसका इस्तेमाल जनरली हम लोग कपड़े धुलने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रूम लेकर रहते हैं जहां पर आप बड़ी और भारी भरकम मशीन नहीं रख सकते, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी वॉशिंग मशीन को। इसकी खास बात ये रहती है कि ये एक मैनुअल पावर्ड वॉशिंग मशीन रहती है, जिसे कि ऑपरेट करने के लिए आपको बिजली की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ये साइज में एक बकेट के साइज की होती है, जिसे कि इसे साथ में लेकर ट्रैवल करना भी आसान रहेगा। यानी कि अगर आप रेंट पर रहते हैं, कहीं बाहर रहकर जॉब वगैरह करते हैं और आपको अपने कपड़े धुलने के लिए एक वॉशिंग मशीन चाहिए, तो मैनुअल पावर्ड ये वॉशिंग मशीन आपके लिए एक गजब का ऑप्शन रहेगा, जिसे कि बस हाथों की सहायता से आप चलाकर अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं। साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहेगा, जहां पर आपको ऊपर की तरफ एक हैंडल दे रखा होता है, बस इसे ऊपर नीचे करना है, जिसके बाद कपड़े आपके पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। तो एक कमाल का गैजेट रहता है, जो कि बेहद सिंपल है और उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि बड़ी और भारी भरकम वॉशिंग मशीन अफोर्ड नहीं करना चाहते। नंबर 4, वॉन्डर वॉशर मिक्स। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन दिखाने वाला हूं, जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी डिटर्जेंट की जरूरत नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी वॉशिंग मशीन है जो कि ओजोन का इस्तेमाल करती है आपके कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये आपके कपड़ों को अच्छी तरीके से साफ भी कर देती है, जिसका इस्तेमाल आप डेली यूज में कर पाएंगे। ये एक बकेट की तरह दिखने वाली ऐसी वॉशिंग मशीन होती है, जिसमें कि बस आपको अपने डेली यूजर्स के कपड़ों को डालना होगा, और जैसे ही आप इसके चैम्बर को क्लोज कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो फौरन ये उनकी साफ सफाई ओजोन की मदद से शुरू कर देती है, जिससे कि कपड़े आपके अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे और किसी डिटर्जेंट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक कमाल का तरीका है कपड़ों को साफ करने का, जिससे कि कपड़े अच्छी तरीके से साफ किए जा सकते हैं और ये इको फ्रेंडली भी रहेगी आपके एनवायरमेंट के लिए, जिससे कि आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस तरीके की वॉशिंग मशीन उन लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगी जो कि बड़ी बड़ी मशीनों को अपने घर पर नहीं रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की छोटी सी मशीन उनके डेली यूजर्स में लगने वाले कपड़ों को धोने के लिए बहुत सही उपाय है। लेकिन इसके यूजर्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि ये ओजोन का इस्तेमाल करती है चीजों को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल आप फलों और सब्जियों को धोने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि कपड़ों के साथ ही साथ फलों और सब्जियों की भी अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है इस वॉशिंग मशीन में। नंबर 3, मोरस। कपड़े सुखाने के लिए वैसे तो हम लोग वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के बाद भी कपड़े पूरी तरीके से नहीं सूखते हैं। यानी कि कपड़े सुखाने के बाद भी आपको उन्हें धूप में टांगने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं और आपको कोई कपड़ा तुरंत सूखा हुआ चाहिए, जिसे कि आपको तुरंत इस्तेमाल करना हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ड्रायर होता है जो कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जी हां दोस्तों, इसमें आपको एक चैम्बर दे रखा होता है, जिसमें कि कपड़े आपको डाल देने हैं और ये उस चैम्बर में पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और इसके अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि कपड़े अगर गीले हैं तो धीरे धीरे उनसे पानी मॉइस्चर बनके उड़ जाता है। इसके निचले हिस्से में एक वाटर कलेक्शन चैम्बर भी होता है, जिसमें कि आपको वो सारा पानी मिल जाएगा जो कि आपके कपड़ों से निकला हुआ है। तो कपड़े सुखाने का ये बेहद एडवांस तरीका है, जिससे कि केवल 15 मिनट के अंदर ही आप कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरीके का कोई भी फैब्रिक क्यों ना हो। तो इंस्टेंट कपड़ों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस गैजेट को, जिसकी टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप कपड़ों को सुखाने के साथ ही साथ उनको स्टरलाइजेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूवी स्टरलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कपड़े आपके एकदम बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। नंबर 2, वेयर क्लॉथिंग केयर सिस्टम। कपड़ों को धुलने के लिए हम लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा पानी वेस्टेज हो जाता है, और साथ ही हम लोग बहुत तरीके के डिटर्जेंट वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पानी को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, जिसके बाद वो किसी काम के लायक नहीं रहता। यानी कि कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करना तो आसान है, लेकिन वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी होती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि कपड़ों के धुलने के तरीकों को एकदम चेंज कर देने वाला है। ये एक तरीके की ऐसी हैंडहेल्ड डिवाइस है, जिसमें कि हाई प्रेशर से पानी को रिलीज किया जाता है, और जब भी आप कपड़ों को धुलने के लिए चलते हैं, तो इसमें आपको एक अलग तरीके का डिटर्जेंट डालना होगा, जो कि पूरी तरीके से इको फ्रेंडली रहता है, और इसकी मदद से आप आसानी से कपड़ों को धुल सकते हैं। और बहुत से ऐसे कपड़े जो कि ड्राई क्लीन मांगते हैं, तो उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जिससे कि इन्हें धुलना आसान हो जाएगा। और ये डिवाइस पानी की बचत तो करती ही, और साथ ही साथ हार्मफुल डिटर्जेंट वगैरह से भी आपको छुटकारा दिला देती है, जिसकी वजह से ये इको फ्रेंडली भी होने वाली है। तो दोस्तों, हो सकता है फ्यूचर में आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी कपड़े धुलने के लिए जरूर से देखने को मिले, जो कि पानी की बचत के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ एंड सिक्योर रखती है।
नंबर फर्स्ट, शाओमी मोयू फोल्डिंग वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन्स तो आपने काफी सारी देखी होंगी, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो साइज में बेहद बड़ी और भारी भरकम होती हैं, जिन्हें जनरली आप साथ में लेकर ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको बार बार ट्रैवल करते रहना पड़ता है, या फिर अगर आपका कोई निश्चित ठिया ठिकाना नहीं है जहां पर आपको प्रॉपर एक जगह रहना हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पोर्टेबल वॉशिंग मशीन को। इसकी खास बात ये रहती है कि पूरी तरीके से फोल्डेबल वॉशिंग मशीन रहती है, जिसे कि फोल्ड करके अगर आप चाहें तो अपने बैकपैक में भी रख सकते हैं। जब आप इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो लगभग ये एक बकेट के साइज की हो जाती है, जिसमें कि कपड़े धुलना बेहद आसान रहेगा। इसके अंदर के हिस्से में एक छोटा सा स्पिनर लगा रहेगा, जो कि आपके कपड़ों को अच्छी तरीके से धुलने का काम करता है। और निचले सेक्शन में इनलेट और आउटलेट पाइप्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप पानी को ड्रेन करने के लिए कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी वॉशिंग मशीन रहेगी, जिसे कि आप साथ में लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं, जो कि इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके की पोर्टेबल वॉशिंग मशीन कैसी लगी है। वहीं अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या फिर इसमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट के आप प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करेगा। देखते रहिएगा न्यू टेक गैजेट्स। नमस्कार।